हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा एक क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट क्या दे रखा है, ये हमारा है 2.4 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या है, हाइट है सिलेंडर की। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड डायमीटर 1.4 ठीक सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर क्या है 1.4, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले ही राइट डाउन कर लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये दो चीज पहले हमने जो गिवेन था राइट डाउन कर लिया। ठीक, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। अब देखो इसमें ना कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों क्या है, सेम है, तो अगर हम बात करें तो ये दोनों किसका हो जाएगा, किसका, कोनिकल कैविटी का ये देखो रेडियस और हाइट भी दोनों क्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब सेम डायमीटर इज होलोड आउट। देखो क्या क्या जा रहा है ना, कि एक तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से ये कोनिकल कैविटी कोन करके इसमें से कोनिकल फॉर्म का क्या कर रहा है, कैविटी करके इसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। सेम वो आइसक्रीम वाला कंसेप्ट रखो, जैसे आइसक्रीम निकालते हैं तो वहाँ पे जो गड्ढा बन जाता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे क्या है, सिलेंडर में से कैसा कोन टाइप की कैविटी की जा रही है। ओके, अब क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जब इसमें से हम कोनिकल कैविटी निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है उसका अपन को क्या बताना है, क्या बताना है, देखो यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक, तो पहले तो क्या मिल गया, देखो कोन का हमको क्या मिल गया, कोन की भी हाइट क्या है आपकी, सेम हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, और कोन का भी क्या हो जाएगा, ये रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी स्लेंट हाइट की, कोन की स्लेंट हाइट की। तो पहले हम यहाँ पे ये लिख लें, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से लिख लो एल इक्वल टू सीधे अंडर रूट, अब एच की वैल्यू क्या है आपकी 2.4 और इसकी वैल्यू क्या है, तो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का क्या कर लोगे, ये होल स्क्वायर कर लोगे। ओके, अब इसकी वैल्यू लिख लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5.76 प्लस 0.49। ठीक है, ये लिख लिया 5. ये हो जाएगा आपका 6. अंडर रूट इसको लिख लो 6.25। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 6.25 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2.5। ओके, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू राइट डाउन कर लो, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ओके, बिफोर पास द वीडियो आई नोटेड डाउन। अब देखो हमसे जो पूछ रहा है, अब लिखो क्या पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, राइट डाउन कर लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो ये लिख लो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस क्या लिख लोगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोनिकल, ये लिख लो सी एस ए ऑफ कोनिकल कैविटी प्लस क्या लिख लोगे, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके चलो इसको राइट डाउन कर लो बेटा। अब देखो इसमें आगे क्या करोगे, अब एक एक की एक एक का फार्मूला लिखते चले जाओ। तो ये क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस सी एस ए ऑफ कोनिकल कैविटी, ये क्या हो जाएगा कैविटी पाई आर एल, और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, बेस किस फॉर्म का हो जाता है सर्कल का, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ से पाई आर को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो ये बच जाएगा 2H प्लस यहाँ पे क्या बचा L और यहाँ पे क्या बचा R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.7, H की वैल्यू 2.4, तो 2 × 2.4 प्लस L की वैल्यू क्या आई थी आपकी 2.5, ठीक है, L की वैल्यू आई थी 2.5 और R क्या है आपका 0.7, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 2.2 और इसको आप ऐड कर दोगे तो ये नियरेस्ट आपका क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 8 = 16 और ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा था, तो जब भी 0.5 से ज़्यादा होता है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान वही आइसक्रीम वाला कंसेप्ट, क्योंकि आप डेली लाइफ में आप उसको क्या करते हो, देखते हो, कभी भी आइसक्रीम खरीदने जाते हो तो वहाँ से जो उसके उसके पास क्यूब होता है ना आइसक्रीम का, उसी में से निकालता है, तो आप देखते हो कि वहाँ पे उतना क्या हो जाता है, वो गड्ढा बन जाता है। सेम उसी टाइप का है, सिलेंडर था, इसमें से कोन के फॉर्म का निकाल लिया गया, कैविटी कर ली गई, जो रिमेनिंग, तो रिमेनिंग देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस वन और आपका ये नीचे बच जाएगा। इतने का आपसे क्या पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके तो देखो इसमें बोल क्या रहा है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमी स्फीयर, ठीक, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो देखो एक वुडन आर्टिकल कोई है, उसको बनाया गया है कैसे, पहले तो हमारे पास क्या है, एक ये क्या है सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर में से स्कूपिंग मतलब इसमें सेम वही चीज़ गड्ढा करके, सेम वही कंसेप्ट लो आइसक्रीम वाला, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स का जो आइसक्रीम है, तो उसमें से एक ऊपर से भी स्कूपिंग कर लिया गया और नीचे से भी, तो ये दोनों ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये होलो टाइप के बन जाएंगे, ठीक। और ये जो शेप बन रहा है किस शेप का बन जाएगा, आउट ऑफ हेमी स्फीयर, मतलब एक ये हेमी स्फीयर है और ये दो दूसरा हेमी स्फीयर है, यहाँ से 2 हेमी स्फीयर सिलेंडर में से स्कूप करके क्या कर जा निकाल दिया जा रहा है। ओके आई सोन इन फिगर, ठीक। अब देखो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब जो सिलेंडर की हाइट है ना आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक, 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का बेस क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कर रहा है, ठीक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का बताना है। ओके तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो गिवन, क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। इसके बाद से बात किसकी करोगे, रेडियस की, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इक्वल टू ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ तो हमको मिल गई, हाइट मिल गया और हमारा क्या मिल गया, रेडियस। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, अब राइट डाउन कर लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू,
अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा, सी ए से, अब इसको राइट डाउन कर लो, इक्वल टू ये हो जाएगा सी ए से ऑफ सिलेंडर, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए, आप क्या लिख लोगे, हेमी स्फीयर, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक, देखो यहाँ पे करना क्या है, कर्व सरफेस एरिया किसका निकालोगे, सिलेंडर का, ठीक, और उसमें क्या ऐड कर दोगे, प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर, बात आ रही है समझ में ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें से क्या किए, सी एस ए आप क्या निकालोगे, सिलेंडर, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी एस ए ऑफ क्या निकाल लोगे, हेमी स्फीयर। ओके, अब चलो एक एक स्टेप इसका देखते हैं हम लोग। अब चलो फार्मूला पुट करो, फार्मूला, ठीक है, अब ये हो जाएगा टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक, इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस, देखो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर, 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है ये, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो एक हेमी स्फीयर का क्या होता है आपका सी एस ए, 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, और ये 2 का पूछ रहा है, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, 2 पाई आर को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, एच प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 आर, ठीक, 2 पाई आर हम क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से एच बचा और यहाँ से क्या बच गया, 2 आर। अब वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 3.5, एच की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 2 इंटू 3.5। अब इसी को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो इसकी वैल्यू आएगी क्या, यहाँ पे हम राइट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है, अब इसको करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ठीक है, 2.5 जा क्या हो जाएगा, 10, तो ये 1 ही हो जाए, 1.0 इंटू 22, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 17, तो ये 22 इंटू आप इसको क्या कर लोगे, 17, तो ये हो जाएगा 34, 4347, दैट मीन्स 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, यही हमसे क्या पूछ रहा था, ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल पूछ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1, ठीक है, ओके, अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम बात किसकी करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 की।